हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजूज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये है तीसी। तीसी जिसे अलसी कहा जाता है, ये अलसी की बड़ी है जिसे तीसी की बड़ी कहा जाता है, तिसियोड़ी कह सकते हैं। और तिसियोड़ी भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है तिसियोड़ी बनाने का, वो होता है तीसी और मसूर का दाल में बनता है। लेकिन एक और तरीका होता है, ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है लेकिन ये काफ़ी डिलीशियस होता है। इसमें तीसी तो ऐड है लेकिन मसूर का दाल नहीं है। मसूर के दाल की जगह पे हमने पोटैटो को यूज किया है। इसे हमने कैसे बनाया है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम आपको बनाते समय दिखाएंगे। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं, बाकी बड़ी जो दाल की होती है वो सब इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं क्योंकि वो सब्जी के रूप में खाया जाता है। और इसे आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं या चावल के साथ साइड डिश के रूप में भी खा सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाने। आलू है और आलू को हम पहले धोएंगे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से और उसके बाद उबालेंगे। आलू को हमने धो लिया है और लगातार 5 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। हमारा आलू पका हुआ है और इसे हम इसका छिलका हटाकर अलग रख रहे हैं और सभी को इसी तरह से कर लेना है। सबसे पहले इसे हम हाथों से तोड़ लेंगे, जैसे चोखा का हम लोग बनाते हैं उस तरह से हम लोग करेंगे इसे। ये तीसी है, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाला है, 1 टी स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये अजवाइन है, हमने डाला है 1 टी स्पून। कलौंजी 1 टी स्पून। और अब हम इसमें तीसी को ऐड करेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और तीसी को ही अलसी भी कहा जाता है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना ज़रूरी होता है ताकि इसके सारे मसाले, अलसी और आलू सब एक साथ मिक्स हो जाए। और मिलाने के बाद पोलोथीन के ऊपर इस तरह से आपको अपने हाथों से करना है। पोलोथीन के ऊपर ही कीजिए या फिर कॉटन का कोई कपड़ा के ऊपर कीजिए जिससे ये आसानी से ये निकल सके और ये टूटे नहीं। और ये एक दिन के अंदर में ही ड्राई हो जाना चाहिए, पछिया हवा बहे तो ही आप इसे बनाइए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। और एक दिन में ड्राई होगा, उसे उसके अगले दिन भी फिर से ड्राई कीजिए, उसके बाद ही जार में रखिए। फ्रेंड्स, ये हमारा जो तीसी का तिसियोड़ी है ये बनकर तैयार हो गया है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना ईजी है। इसे हमने एक दिन में ही ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया था। दूसरा दिन हमने ड्राई और किया है और उसके बाद हम इसे जार में भरकर रख देंगे और इसे पूरे ईयर यूज करेंगे। और इसे स्नैक्स के रूप में खाया जाता है और ये काफ़ी डिलीशियस होता है। और इसे भुनने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हमने कैसे बनाया आपने देखा। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।